दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप से अगर आपको पेन ड्राइव में गाने डालने हो या गाने कॉपी करने हो तो इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो दिस पीसी है इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में कितने ड्राइव्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप आप जो भी यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले उसमें आप पेन ड्राइव को लगा लेंगे। तो चलिए मैं अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पेन ड्राइव को लगाऊंगा तो आवाज़ आएगी, देख पा रहे हैं आवाज़ आ चुका है। और यहाँ पे सीधे पेन ड्राइव पहले ओपन हो जाएगा। इस पेन ड्राइव को हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो दिस पीसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव और पहले तीन ड्राइव था और यहाँ पे एक नया ड्राइव बढ़ चुका है। ये जो लास्ट वाला जो ड्राइव है यही हमारा पेन ड्राइव है। आप देख पा रहे हैं इसकी साइज 14.4 GB यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको वह फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने गाने को कॉपी कर रखा है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमारे सी ड्राइव में गाने हैं, मैं सी ड्राइव को यहाँ पे देख पा रहा हूँ ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर है सॉन्ग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं MP3 यहाँ पे सॉन्ग है और यहाँ पे दो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो वीडियो सॉन्ग भी है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको टोटल ऑडियो वीडियो को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए जैसे आप प्रेस करेंगे तो देख पा रहे हैं सभी सॉन्ग यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको सिर्फ गाने ही जो है कॉपी करना है, आप वीडियो को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे और जैसे इस आप देख पा रहे हैं फोटो 1 जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए वीडियो अनसेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हमको ये दूसरा वीडियो भी अनसेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को दबाए रखना है और जैसे इस फोटो 2 पे हम देख पा रहे हैं क्लिक कर रहे हैं तो ये जो है वीडियो यहाँ पे अनसेलेक्टेड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो है एक या एक से ज़्यादा जो है ऑडियो या वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको शुरू के ही 4 सॉन्ग को या सिर्फ पहली लाइन आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या काम करना होगा, आप सबसे पहले पहला जो सॉन्ग है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाए रखिए और यहाँ पे लास्ट में शिफ्ट को दबाए रखेंगे और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक लाइन पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको दूसरी लाइन भी सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को दबाए रखेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरी लाइन के भी जो सॉन्ग है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ सॉन्ग अगर आपको हटाना है तो फिर वही पुराना तरीका है कि आपको कंट्रोल को दबाए रखना है और जिस भी सॉन्ग को आप हटाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो सॉन्ग आपको अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी गाने आप जो है अपने पेन ड्राइव में आप जो है कॉपी करना चाहते हैं आप सबसे पहले इस तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी सॉन्ग सेलेक्ट है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी। तो जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सेलेक्टेड सॉन्ग हैं उनकी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो दिस पीसी दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे, जो दिस पीसी है आप देख पा रहे हैं यहाँ टॉप पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दिस पीसी देख पा रहे हैं जितने ड्राइव्स है यहाँ पे हम आ गए। और इसके बाद जो लास्ट वाला जो न्यू वॉल्यूम या यही हमारा पेन ड्राइव है तो इसको सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो हम इस समय पेन ड्राइव के एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको नया फोल्डर अगर बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे और चलिए इस फोल्डर का नाम SONG सॉन्ग मैंने यहाँ पे लिख दिया और अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस फोल्डर के अंदर हम एंटर कर गए हैं और यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी सॉन्ग हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के ड्राइव में थे वो पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अगर आपने ज़्यादा सॉन्ग को सेलेक्ट किया तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपने 2-4-5 सॉन्ग को अगर सेलेक्ट किया तो उसके इसमें टाइम कम लगेंगे। तो देख पा रहे हैं फाइनली जो भी सॉन्ग हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के ड्राइव में था वो सीधे पेन ड्राइव में कॉपी हो रहा है और इस तरीके से हम पेन ड्राइव को किसी दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा के वहाँ पे इन गानों को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा तरीका कि हम किस तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप से पेन ड्राइव में हम गाने को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।